वेलकम टू यूपी ट्रिपल एस सी क्लासेस एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं एग्रीकल्चर में मृदा विज्ञान जो कि आपके प, प, ये पेपर सेकंड में 2 से 5 नंबर तक के प्रश्न पूछे जाते हैं मृदा विज्ञान से, तो इसलिए मैं इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि आपके परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर फर्स्ट है, भारत की मृदाओं को मुख्यतः किन 5 वर्गों में रखा गया है? तो 5 वर्ग इसका उत्तर है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट तथा शुष्क मृदा। ये 5 जो है वर्गों में रखा गया है। प्रश्न नंबर 2 है, पादप वृद्धि के लिए अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 16 है, 16 जो है आपका पादप जो है पोषक तत्व है पादप वृद्धि के लिए, ये अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 3 है, उच्च पीएच वाली मृदाओं में किन तत्वों की न्यूनता रहती है? तो जिंक और मैग्नीशियम की जो है दोस्तों न्यूनता रहती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी मित्रों को शेयर भी जरूर करिएगा। प्रश्न नंबर 4 है, अधिकतर पौधे किस रूप में मिट्टी से नत्रजन प्राप्त करते हैं? तो दोस्तों नत्रजन जो है नाइट्रेट के रूप में पौधे लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, दलहनी फसलें किस प्रकार की मृदा के लिए लाभकारी हैं? तो उत्तर है नाइट्रोजन का वायुमंडल से मृदा में स्थिरीकरण करना। दलहनी फसलों में दोस्तों राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो दलहनी फसलों की जड़ों में गांठ नुमा होता है, तो वो उसका कार्य होता है कि नाइट्रोजन का वायुमंडल से मृदा में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं, इसलिए दलहनी फसलों में दोस्तों नाइट्रोजन की मात्रा कम दी जाती है। प्रश्न नंबर 6 है, दोस्तों मृदा विज्ञान में मृदा को क्या मानते हैं? तो मृदा विज्ञान में मृदा को जो है प्राकृतिक पिंड मानते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, सर्वप्रथम पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उपयोगिता किसने सिद्ध की थी? किसने यह सिद्ध किया था कि पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जरूरी है? तो उनका नाम है आर्नन ने जो है सिद्ध किया था। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है, मृदा विज्ञान के पिता कौन है? तो मृदा विज्ञान के पिता डोबू चाल्वे जी हैं जो है मृदा विज्ञान के पिता। प्रश्न नंबर 9 है, पीएच स्केल किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो सारनसन ने जो है पीएच स्केल दिया है, सारनसन ने। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में किस प्रदेश में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो दोस्तों यह प्रदेश जो है आपका उत्तर प्रदेश है। प्रश्न नंबर 11 है, धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो जस्ता के कारण होता है। और प्रश्न नंबर 12 है, मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो मैग्नीज के कारण जो है मटर में मार्स रोग की जो है कमी होती है, अगर मैग्नीज की कमी रहेगी तो मटर में मार्स रोग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, दोस्तों पुस्तक सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर के लेखक कौन है? तो ये टिस्टल जी हैं, इन्होंने जो है सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 14 है, पहाड़ी मृदाएं कैसी होती हैं? तो पहाड़ी मृदाएं दोस्तों अम्लीय होती हैं। प्रश्न नंबर 15 है, सिंचाई जल के साथ लवण उर्वरकों को देना क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह फर्टिगेशन कहलाता है। प्रश्न नंबर 16 है, पौधे किस रूप में फास्फोरस लेते हैं? तो फास्फोरिक एसिड के रूप में जो है पौधे फास्फोरस लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, मृदा में कौन सा जीव सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो बैक्टीरिया होता है। प्रश्न नंबर 18 है, भारत में जलोढ़ मृदाओं का क्षेत्रफल कितना है? तो 300,000 वर्ग मील है जलोढ़ मृदाओं का क्षेत्रफल, जो सबसे अधिक उपजाऊ जो है मृदाएं मानी जाती हैं जलोढ़ मृदा। प्रश्न नंबर 19 है, वह पोषक तत्व जिनके बिना पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते और क्या कहलाते हैं? तो आवश्यक तत्व होते हैं, आवश्यक तत्व ही हैं जिनके बिना जो है पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये रहे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज, प्रश्नों की सीरीज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी अपलोड देता हूँ, वीडियो देता हूँ, आप लोगों को सबसे पहले मिले। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।